हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप? से उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। चंडीगढ़ T20s का ये 19 मैच कवर कर रहे हैं सुखना जोन वर्सेस रोज जोन के बीच में इस चंडीगढ़ T20s का एक और जैकपॉट मैच, जो आप सभी के इन्वेस्टमेंट के लिए मैच काफ़ी अच्छा रहेगा। इस वीडियो में दोस्तों हम डीपली एनालिसिस करेंगे किस प्लेयर को यहाँ से हमें स्मॉलेस्ट टीम्स में पिक करके चलना है, किस प्लेयर को यहाँ से हमें ग्रैंडिस के टीम्स में ट्राई करना है, विद जो भी हमारे कैप्टन एंड वाइस कप्तान के इंपॉर्टेंट एंड डिफॉल्ट ऑप्शंस रहेंगे, इनके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो ऑलमोस्ट वीडियो को पूरा देखना ताकि आप हर एक लॉजिक और प्रेडिक्शन के बारे में डिटेल्स में जान पाओगे, और जो भी हमारे कैप्टन या वाइस कप्तान के जो डिफॉल्ट ऑप्शंस है, वो चाहे स्मॉल लीग्स में इन्वेस्टमेंट है या फिर ग्रैंड लीग्स में इन्वेस्टमेंट है, इन सभी चीज़ों के बारे में डीपली एनालिसिस करेंगे, तो एंड तक देखिएगा। और दोस्तों सबसे पहले देखो, जो लोग भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन वगैरह आप सभी लोगों को मिलते रहेंगे। और वैसे भी आप सभी लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अभी हम चलते हैं और प्ले प्रेडिक्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात देखो, जो लोग भी अभी तक हमारे फैंटेसी क्रिक फैन के रियल टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हो तो शायद आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। इनकी ऑफिशियली प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर के बाद जो कुछ भी हमारे टीम्स में चेंजेस होंगे, चाहे वो कैप्टन या वाइस कप्तान में चेंजेस हो या फिर हमारे टीम्स में अपडेट्स हो, तो सारे इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम्स पर देंगे। जुड़ने के लिए लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाओ, और मैच के टाइम सिर्फ एक्टिव रहना, ये चीज़ें दोस्तों ध्यान रखना। और आप याद रखिए, हमारे रियल टेलीग्राम से जुड़ो, क्योंकि हमारे नाम से बहुत सारे फेक अकाउंट लोगों ने बनाकर पैटिंग के नाम पे यूजर्स के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो आप हमारे रियल टेलीग्राम से जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जनवन एक फ्री टीम ही आपको प्रोवाइड की जाएंगे, तो जरूर से जुड़ जाइएगा। बात करेंगे यहां पर इनके प्ले स्टैटिस के बारे में। तो ये चंडीगढ़ T20s का दोस्तों ये 19 मैच, जो कि आप सेक्टर 16 स्टेडियम ये चंडीगढ़ के वेन्यू पर मुकाबला देखने को मिलेंगे, जिनकी एवरेज स्कोर 110 से 140 के आसपास में स्कोर बनते दिखेंगे। जो पिच है एक तरह से बैलेंस्ड, थोड़ी सी स्पिन बॉलर को अच्छे खासे वेन्यू पर हेल्प मिले तो ये बॉलिंग इंपॉर्टेंट रहेगा इस वेन्यू इस पिच पर। तो ज़्यादातर जो भी बॉलिंग ट्राई करेंगे वो पेसर स्पिनर्स के साथ चलेंगे। और हमारे टेलीग्राम से अभी तक आपने नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो दोस्तों। जो भी मेरी फाइनल टीम्स होंगी अपडेट्स टेलीग्राम्स पे देंगे, या फिर मैच से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा वो सारे टेलीग्राम्स पे देंगे, तो ज़रूर से जुड़ जाना। बात करेंगे यहाँ पर जो रॉस जोन की टीम है, देखो इन्होंने अपने रिसेंट के दो मुकाबले खेले, एक विन एक लॉस करके आ रही, बाकी के तीन मुकाबले इनके बाउंडेड हुए थे। तो इनकी टीम की ओर से अंकित चौधरी, जो कि ओपनिंग बैटिंग रहा था, इस टीम की ओर से दिखेंगे। और ये राइट हैंडर बैट्समैन, राइट ए मीडियम बॉलिंग, 155 मुकाबले अपने T20s करियर में खेले, 3361 रन, 25 का औसत, 165 विकेट, जिसमें एक आउटस्टैंडिंग फॉर्म लास्ट के मुकाबले में भी देखने को मिला, 29 का स्कोर, 2 विकेट, 3 ओवर के बॉलिंग, इससे पहले सिर्फ इन्होंने 3 रन का ही स्कोर कर पाए थे। एज ए बैटिंग ऑप्शंस बॉलिंग दोनों ही सेफ है, आप इनको GL के टीम्स में कैप्टन करना, अगर आप स्मॉल लीग्स में करते हो तो 3 से 11th मेंबर्स के लीग में रिस्क ले सकते हो। बाकी अभी हम स्मॉल लीग्स एज अ प्लेयर ही इनको टीम्स में ट्राई करके चल रहे हैं। इनके अलावा जो यहाँ पर वोरा नजर आएंगे दोस्तों, ये राइट हैंडर बैट्समैन, एक्सपीरियंस वाइज ठीक ठाक बैटिंग ऑप्शन से, 118 मुकाबले जहाँ पे टोटल 3003 रन और टोटल 28 के एवरेज, 2 मुकाबले में 13 और 51 का स्कोर था। इससे पहले इनका वनडे और T20s मैच है, हालांकि दोस्तों अभी रिसेंट के मुकाबले में 51, इससे पहले 13 बैटिंग से एक आउटस्टैंडिंग फॉर्म है। एज अ प्लेयर इनको अपने टीम्स में रख सकते हो, और मिनी GL और ग्रैंडिस की टीम्स में आप चाहो तो इन्हें कैप्टन भी करना, तो चीज़ें कर सकते हो। पर अभी हम स्मॉलिंग में सिर्फ एज अ प्लेयर ही इनको पिक करके जाएंगे, जो कि यहाँ पर अंकित कौशिक है, राइट हैंडर बैट्समैन, लेग गुगली बॉलिंग है, 33 मुकाबले के अंदर 494 रन, 32 का एवरेज, 2 विकेट था, पर पार्ट टाइम बॉलिंग है, ओवर्स इनकी कटेंगे। देखो फर्स्ट मैच सिर्फ 3 रन का स्कोर था, उसके बाद 41 का स्कोर, 1 विकेट है, जहाँ पर 1 ओवर का बॉलिंग। तो अगर आप चाहो तो बोरा और यहाँ पर कौशिक में से किसी एक ही बैटिंग ऑप्शन को ट्राई करो। इनके अलावा राहुल शर्मा, देखो फर्स्ट मैच 44, उसके बाद 5 रन का स्कोर था, पार्ट टाइम बॉलिंग है, दोस्त यादव और ये बॉलिंग नहीं डालेंगे। 3 as a 4 ऑन बैटिंग ऑर्डर इनका नजर आएंगे, फर्स्ट इनिंग में टीम बैटिंग कराती है तो आप रिस्क ट्राई कर सकते हो, इनके अलावा हम इनको इग्नोर करके भी जाएंगे। अभिषेक सिंह है जो है 37 मुकाबले, 945 रन, 35 का एवरेज, 30 विकेट, राइट में फास्ट बॉलिंग, इनकी भी ओवर्स कट रहे हैं। फर्स्ट मैचेस में इन्होंने बॉलिंग नहीं कराया था, जहाँ पर 10 रन का स्कोर, उसके बाद 23 का स्कोर, 1 विकेट, वो भी इन्होंने एक ही ओवर के बॉलिंग डाले थे, तो इनकी ओवर्स कटेंगे। अगर आपको रिस्क लेना होगा तो राहुल शर्मा और यहाँ पर जो अभिषेक सिंह नजर आएंगे, इन दोनों में से किसी एक को पिक करना। इनके अलावा जगदीश सिंह एज ए ग्रैंड लीग से सेफ रहेंगे, ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग कुछ खास अच्छा फॉर्म नहीं है। टीम के जो मेन बॉलिंग ऑप्शंस है यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अरब इकबाल नजर आएंगे, जो कि ये ऑफ स्पिन बॉलिंग करा रहे हैं।
फर्स्ट मैच में 2 ओवर के बॉलिंग विकेट लेस थे, सेकेंड मैच में इनका 1 विकेट है, 3 ओवर के बॉलिंग, 7 मुकाबले में टोटल 9 विकेट, रिसेंट फॉर्म में अपनी कंप्लीटली सोबर भी नहीं डाल रहे, तो इनको ड्रॉप करना बेहतर रहेगा। बाकी विष्णु कश्यप, ये हमारे टीम के सेफ बॉलिंग, लास्ट के मुकाबले में 1 विकेट है, 7 मैचों में 4 विकेट है और ब्रेकर बॉलिंग है। इनके अलावा जहाँ पर जखीर नजर आएंगे दोस्तों, इन्होंने फर्स्ट मैच 1 विकेट है, 2 विकेट है, राइट मीडियम बॉलिंग है और ये अपने कंप्लीटली सोवर डालते हुए दिखेंगे। तो ये इस टीम के पास 2 ही सेफ बॉलिंग नजर आएंगे। इनके अलावा अभिषेक सैनी राइट मीडियम फास्ट बॉलिंग डाल रहे हैं, 2 ओवर ज़्यादा इन्होंने बॉलिंग नहीं कराया, हालांकि 13 मैचों में सिर्फ इनके पास 10 विकेट था, तो इनके भी ओवर्स कटेंगे, ड्रॉप करना सेफ रहेगा। और इनके बेंच ऑप्शन से जो भी प्लेयर यहाँ से खेलते हैं, इन सारी चीज़ों का अपडेट्स टेलीग्राम्स पे देंगे और हमारे टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो लोग भी नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से हमारे ज़रूर से जुड़ जाना। अब दोस्तों, जो सुकुना जोन्स की टीम है, ये मुझे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग टीम दिखी है, 4 मुकाबले खेले, 4 ही मुकाबले विन करके आ रही। इनकी टीम की ओर से मोहम्मद अरसलन खान जो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन पार्ट टाइम बॉलिंग है, 13 मैचों में 695/58 का एवरेज, रिसेंट के मैचों में 37 का स्कोर, 1 विकेट है, 2 ओवर के बॉलिंग, उसके बाद 22, 4 और 3 रन का स्कोर। बैटिंग से जो ऑप्शन है वो ठीक ठाक है, हालांकि ये कभी कभार आपको बॉलिंग भी डालेंगे तो 1 से 2 विकेटें निकाल सकते हैं, पर एज अ बैटिंग ऑप्शन से का स्टैंडिंग फॉर्म, तो अभी एज अ प्लेयर ही इनको अपनी टीम्स में पिक करके जाएंगे। निहाल जो है राइट हैंडर बैट्समैन है और ऑफ स्पिन बॉलिंग एज अ पार्ट टाइम बॉलिंग करें, रिसेंट के मैचों में 43 से पहले 23 और 46, 2 का स्कोर, हालांकि 80 मैचों में 24 और 8 रन, 34 का एवरेज, जहाँ पर 34 विकेटे भी थे, पर बॉलिंग इनकी जो रहेंगे वो पार्ट टाइम है, पर एज अ बैटिंग ऑप्शन में एक आउटस्टैंडिंग फॉर्म, जो अभी हम एज अ प्लेयर इनको अपने टीम्स में पिक करके जा रहे हैं। इनके अलावा यहाँ पर जो विकास कुमार दोस्तों, राइट हैंडर बैट्समैन, रिसेंट के मैचों में 4 इससे पहले 17 और 8 का स्कोर था। प्रदीप यादव का भी देखोगे तो 25, 26, 1, 9 ये विकेट कीपिंग कराते हैं, पर कुछ भी बैटिंग ऑप्शन इधर ठीक ठाक है नहीं, तो आप इन दोनों में से किसी एक के साथ चाहो तो जा सकते हो इस मॉलिंग में, पर अभी हम इनको इग्नोर करेंगे और जीएल के टीम्स में ही रखेंगे। श्याम सनी एक मिडल ऑर्डर बैटिंग, जो एवरेज है इनके पास 4 मैचों में 173/58 का है, हालांकि रिसेंट मैचों में 27, 6 और 15 का है, और आप इन्हें फर्स्ट इनिंग में टीम बैटिंग कराते हुए दिखते हैं तो अपने टीम्स में पिक करना चाहते हो तो आप रिस्क ले सकते हो। बाकी जो सागर ग्राइंडीज के से फर्स्ट मैचेस 54/18 से पहले 1 रन का स्कोर है, बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है, तो ड्रॉप करना बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर जो विशाल नजर आएंगे दोस्तों, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग है, 7 मैचों में 170/28 का एवरेज है, 11 विकेट थे, जिसमें ये आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही कराते हुए दिखेंगे। देखो फर्स्ट मैच ये विकेटलेस थे, सेकेंड मैच में 1 विकेट, उसके बाद सिर्फ 1 रन का स्कोर, और लास्ट के मैचों में 2 विकेट था, 2 ओवर के बॉलिंग। एक चीज ये है कि यहाँ पर सनी सिंह और इन दोनों का ओवर्स कटेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास काफ़ी सारे बॉलिंग ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि देखोगे तो नूरमोहिन पोलेंट रह सकते हैं, लास्ट के मैचों में ये 5 विकेटें निकाल कर आ रही, इससे पहले इनका 1 विकेट था, हालांकि एक तरह से देखो तो लास्ट के मुकाबले डीएनपी भी गए थे, 13 मैचों में 11 विकेट। इनके अलावा हमारे पास टीम के सेफ बॉलिंग है तो चिराग सिंह नजर आएंगे, 17 मैचों में 8 विकेट, राइट एम स्पिन बॉलिंग, स्टार्टिंग 2 मैचों में काफ़ी बढ़िया टच में चले, उसके बाद ये विकेटलेस रहे थे 2 मुकाबले में। तो जो टीम के मेन बॉलिंग है, अगर आप देखो तो यहाँ पर अमित शुक्ला भी नजर आएंगे, लास्ट के मुकाबले 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, और ये लेग स्पिन बॉलिंग है, जो अभी तक जितने भी मुकाबले खेले हर एक मैचों में आपको 1 से 2 विकेट निकाल कर दिए। तो यहाँ से निर्मोही और अमित शुक्ला, चिराग, ये 3 को ट्राई करेंगे। इनके अलावा जो यहाँ पर विशाल है, ये एक हमारे सेफ बॉलिंग रह सकता है, और आप सनी को ग्रैंडलीज के टीम्स में रखना। बाकी इनके बेंच ऑप्शन से जो भी प्लेयर खेलेंगे, सारे अपडेट्स टेलीग्राम्स पे देंगे और टेलीग्राम का लिंक तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जो लोग भी नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाओ। बाकी चलते हैं अपनी फैंटेसी टीम्स की बात करते हैं। और बाकी देखो, जो टीम है ऑलरेडी मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद सेव करके रखे थे, हालांकि हमने देखो टाइमिंग बहुत कम है, 2 घंटे से कम का टाइम बचा है, थोड़ी सी जल्दी में इस वीडियोस को हम क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम स्किप करेंगे। देखो मैंने कैप्टन पे जो रिस्क लिया है ना, शायद वो थोड़ी सी डिफ़ॉल्ट रह सकता है। जहाँ तक मुझे पता है, देखो चौधरी इज़ अ बॉलिंग बैटिंग कर सकते हैं, अगर आप सेफ जाना चाहो तो यहाँ पर 37% लोग आर शर्मा को कैप्टनसी कर रहे हैं, आप ऐसे सिलेक्शन बेसिस वाली टीम क्रिएट कर पा सकते हो तो कर लो, बाकी हम कैप्टन पे पूरी तरह से रिस्क ले रहे हैं। ये चीज़ें दोस्तों ध्यान रखना, वाइस कप्तान है तो आप बॉलिंग ऑप्शन शुक्ला या फिर निर्मोही के साथ जाओ, या फिर चिराग सिंह थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एंड डिफ़ॉल्ट रह सकते हैं, तो ये हमारे लिए सेफ टीम है। बाकी देखो, अगर आपको चेंजेस करना हो तो आप चेंजेस करना, पर मेरी फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम के साथ जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बाकी अभी मिलते हैं नेक्स्ट मैचेस के साथ, टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जो लोग भी नहीं जुड़े जल्दी से जुड़ जाओ।